नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, नहाने से ना केवल शरीर की गंदगी दूर होती है बल्कि थकावट भी कम हो जाती है। हालांकि ठंड में नहाना अपने आप में एक सजा जैसा फील कराता है, लेकिन अगर आप नहाने के पानी में इन चीजों को डालेंगे तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। जब किस्मत साथ देगी तो नहाने में सजा नहीं बल्कि मजा भी आएगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि नहाने के पानी में कुछ सामग्रियां डाल दी जाएं, तो इससे न केवल आपको भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि कुंडली दोष का भी निवारण हो जाएगा। आइए जानते हैं बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्ति के लिए नहाने के पानी में किन चीजों को मिलाना चाहिए। नंबर एक, नहाने के पानी में मिलाएं तिल। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है भाग्य को प्रबल बनाने के लिए हर रोज नहाने के पानी में काले तिल मिला लें और फिर नहा लें। ऐसा करने से भाग्य तो साथ देगा ही और साथ ही दरिद्रता भी कोसों दूर भागती है। वहीं अगर आप सफेद तिल मिलाकर स्नान करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है और पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध भी मजबूत होते हैं। नंबर दो, नहाने के पानी में मिलाएं दूध। दोस्तों, नहाने के पानी में थोड़ी सी केसर और इलायची मिलाकर नहाना बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपका बुरा समय समाप्त हो जाता है और जल्दी ही अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है। वहीं अगर नहाने के पानी में दूध मिलाकर नहाया जाए तो ऐसा करने से आपको रोगों से जल्दी मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति की आयु भी लंबी होती है। नंबर तीन, नदी में स्नान करते समय करें ये काम। दोस्तों, नहाते समय भजन कीर्तन करना या भगवान का नाम लेना बहुत ही फलदायी माना जाता है। वहीं अगर आप इन सभी चीजों के साथ मंत्रों का जाप भी कर लें तो पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप किसी नदी या तालाब में स्नान करने जा रहे हैं तो पानी के ऊपर ओम लिखकर तुरंत डुबकी मार लें। ऐसा करने से स्नान का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है और ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं और साथ ही नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। नंबर चार, नहाने के पानी में मिलाएं घी। दोस्तों, नहाने के पानी में अगर आप एक चुटकी नमक डालकर स्नान करेंगे तो आपके आसपास मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। वहीं अगर आप नहाने के पानी में थोड़ा सा घी मिलाकर नहाएंगे तो इससे आपका रोग समाप्त हो जाएगा और शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही त्वचा भी चमकदार बनती है। नंबर पाँच, नहाने के पानी में मिलाएं सुगंधित चीजें। दोस्तों, अगर आप नौकरी में इंटरव्यू या फिर व्यवसाय के किसी काम की वजह से बाहर जा रहे हैं तो सुबह नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिला दें। ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा और सभी अड़चन दूर हो जाएगी। वहीं आप नहाने के पानी में गुलाब जल, चंदन, इत्र आदि मिला लें तो आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।